अरे दद्दा, अरे दद्दा, उसको बाहर निकलने को दादा दादा रुको 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 पैर गया। अरे क्या हुआ इतना धक्कम धुक्कम क्यों? इतना धक्कम धुक्कम क्यों नहीं? चल आगे जागे जागे चल चलते रहे चलते रहे। पीछे चलो यार, गाड़ी नहीं आ रही, क्या कर रहे हो? करो ना गाड़ी लो ना अच्छे से। अरे भाई भाई फूट ना इधर में, यहां पे पीछे हो यार, गाड़ी नहीं आ रही, थोड़ा पीछे। अरे पीछे हो ना इरफान, राइट में इरफान भाई, सामने देखो सामने, थोड़ा पीछे। अरे भाई सामने भी नहीं रहा, अरे भाई संभाल इरफान जी का। नहीं नहीं सिग्नल बाद में, पहले गाड़ी के सर। गाड़ी दिख रहा है क्या तेरे को? अबे कोई पीछे जा रहा है क्या? आजा पीछे जा, रही बात पीछे आओ ना, पीछे 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 पीछे। सर लेफ्ट में भी आइए, लेफ्ट से राइट देख रहे हैं। हाँ ये हुई ना बात, रेडी लेफ्ट राइट राइट साइड राइट साइड राइट राइट राइट। हां यहां पे भाई लोग सोलो सोलो कर रहे हैं इधर ही। सर सोलो सोलो उड़ो सर, सोलो ऊपर कर रहे हैं, सोलो ऊपर कर रहे हैं, सोलो ऊपर कर रहे हैं। चलो 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 Hi. Yo,
ओवर टू यू सर, अब आपका शो। अनाउंस करने बोल रिक्वेस्ट ऑल यू ब्यूटीफुल पीपल टू काइंडली सेटल डाउन एज वी अबाउट टू शो यू दिस अमेजिंग ट्रेलर। तो सबसे पहले अर्ज किया है, इरशाद बोल दें प्लीज। थैंक यू सर, कहां से इतना जोश मेरे भाई। तो अर्ज किया है, सोचा इस सावन हम भी होंगे किसी से मिंगल, हमने सोचा इस सावन हम भी होंगे किसी से मिंगल, लेकिन वो हंस हंसा के चली गई और हम रह गए। कमाल है आप लोग। Well, ladies and gentlemen, let me take this opportunity of welcoming all you beautiful people on behalf of Zee Studios. और यहां कितने लोग हैं जो करीब करीब सिंगल समझते हैं खुद को? करीब करीब, अब ये करीब करीब में गेम है, ये पहले का है या बाद का है ये अभी हम इस पे रोशनी डालेंगे। लेकिन कई सारे शादीशुदा मर्द जो अच्छा जीवन बिता रहे हैं, नहीं बिता सकते क्या शादीशुदा मर्द अच्छा जीवन? बिता सकते हैं जरूर, उनके दिल से पूछो। और जो अपनी उनके संग आए वो तो खास तौर पे, वो जो है वो कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में, यू नो, दे आर लाइक करीब करीब सिंगल। सो नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज इट, वी विल गेट टू नो वंस वी शो यू दिस अमेजिंग ट्रेलर। और इसकी ये लाइन बहुत ध्यान देने योग्य है, साथ जीने मरने वाली लव स्टोरी नहीं है इनकी। मतलब कहना नहीं चाहिए, जो बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं, दे आर लाइक नहीं यार वो सब तो कुछ था ही नहीं, साथ जीने वाली मरने वाली लव स्टोरी नहीं है हमारी। क्या है क्यों है जानेंगे, लेकिन उस सबसे पहले मे आई इनवाइट ऑन स्टेज मिस्टर सुजय कुट्टी, लेडीज एंड जेंटलमैन, जी स्टूडियोज से, बिजनेस हेड है एंड ही इज वन रॉक स्टार हमारे साथ यहां पे। यस, कम ऑन, मेक सम नॉइज सर। थैंक यू सर। फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, आर यू करीब करीब सिंगल? आई वॉज ऑलवेज करीब करीब सिंगल। सी यही होता है विद दिस मूवी, आई बिकम मोर करीब करीब सिंगल। सही है सही है, यहां पे नो सब पता लगेगा हमें। प्लीज प्लीज, तो लग गया ऑलरेडी। अभी देखो सर, अभी देखो आप क्या क्या निकलेगा। मैं इस तरफ आके रुक जाता हूं। यस हां, तो साफ दिखे एकदम। बिल्कुल, प्लीज प्लीज टेल अस, यू नो, व्हेन इट कम्स टू जी स्टूडियोज कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स की अगर बात करें, रुस्तम, मॉम और भी बड़ी सारी फिल्में हैं जिनको आपने बैक किया है। यहां हमने देखा जो हमारे एक्टर्स हैं, ट्रेन, बस, टैक्सी, प्लेन, सारी जर्नी पूरी कर ली। अपनी जर्नी कैसे आपकी इसके साथ जुड़ी है वो बता दीजिए प्लीज। जी स्टूडियोज हैज़ अ लीनेज ऑफ जी नेटवर्क, मतलब कॉन्टेंट तो हम बनाते हैं टेलीविजन पे, वी आर अक्रॉस द वर्ल्ड, 200 कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड कॉन्टेंट 15-20 साल, 25 साल से बना रहे हैं। तो फोकस हैज़ ऑलवेज बीन कॉन्टेंट, अच्छा कॉन्टेंट बनाया और लोगों को पसंद आए एंड कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे और उसको बिल्डअप करें। सो द जर्नी हैज़ ऑलवेज बीन, इफ यू लुक एट मॉम, इफ यू लुक एट रुस्तम अर्लियर, and now coming up on the 19th secret superstar, all movies are very strong on content, so that's what we are, we will stick to that. Right, and I think the credit goes to the entire team, of course, Zee Studios. Absolutely, absolutely. And jo kamal ki director hamare sath yahan pe hain, bilkul, Tanuja hai, Shailja hai, yes of course, so and sir ka to main kuch bolunga hi nahi, chhod hi dete hain, wo to kareeb kareeb superb hai, kamal hai, chhod do. Once he comes in up here, फिर तो पूरे हो गए। सर ज्यादा खुल जा रहे हैं हम लोग यहाँ, है ना, दिक्कत हो सकती है इसलिए थोड़ा बंद करते हुए। Okay, now ladies and gentlemen, let's you know, all welcome the very gorgeous Tanuja Chandra, ladies and gentlemen, the captain of the ship. Madam, मतलब क्या fan following? Can we have some CTs here in the house? Gorgeous. She's like चश्मा लगा के कौन कौन था बाद में मिलो मुझे। बड़ी सीरियस टाइप की पर्सनालिटी निकल के आती है। नमस्ते, वेलकम। मुझे प्लीज बताइए, यहाँ पे करीब करीब सिंगल, ये वो सेटिंग होने से पहले का करीब करीब है या ब्रेकअप के बाद का? एक्चुअली सिंगल और किसी के साथ जुड़ने के बीच जो एक स्वीट सा एक पीरियड होता है, दैट इज करीब करीब सिंगल, व्हाटएवर द हेल दैट मींस। लड़कियों की बात वैसे भी नहीं समझ में आती, देखो कई बार, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैम, आपने और वो पहले का कहां से ढूंढेगा वो बेचारा।
बीच का जो एक पीरियड होता है। हाँ, ढूंढो अब ऐसे ढूंढना बीच का, वो बीच वाला जो चल रहा है। आप बर्बाद नहीं हुए हैं और मतलब अकेले भी नहीं हुए हैं और आबाद भी नहीं। आबाद भी यार ये आदमी हो जाता है बर्बाद एक बार पड़ जाए मोहब्बत में। बिल्कुल। एंड इज दैट द रीजन कि ये बहुत ऐसा हाईलाइट किया गया है साथ जीने मरने वाली लव स्टोरी नहीं है? क्योंकि क्लिशे ये है कि आप अगर साथ जीने मरने वाली आपकी लव स्टोरी है तो मतलब रोमियो जूलियट एंड ऑल दैट, यू नो, सो इट्स नॉट एक्चुअली व्हाट हैपेंस इन रियल लाइफ। रियल लाइफ वी कुड जान दे सकते हैं एक दूसरे के लिए, बट वी रादर नॉट। सो आई थिंक सियापा ही मुकाव नहीं करना हमको, है ना? सो लेट्स डू वन थिंग, एग्जैक्टली क्या होने वाला है ना वो देख लेते हैं यहाँ बड़े पर्दे पे। इट्स टाइम टू प्ले द ट्रेलर ऑफ प्लीज यस करीब करीब सिंगल लेडीज एंड जेंटलमैन कम ऑन मेक सम नॉइज। हाथ रख दिया यहां पे इन्होंने, ऐसा होता है अक्सर, यू नो, और सुकून भी कहीं ना कहीं मिल जाता है जब आप किसी की वो अपनी एक्स की कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट वगैरह पे यू नो प्रोफाइल चेक करते। किसी ने किया कभी? ब्रेकअप हुआ हो जाके देखा? जेन्युइन क्वेश्चन है यार, देखो मनोज नहीं करना चाहिए। नहीं मैं बताता हूं ना, देख भी लोगे तो भी 3 साल तक लगेगा यार छोड़ गई यार बड़ा दुख हो गया यार, उसके बाद लगेगा अच्छा यू नो क्या से क्या हो गया और मैं कहां से कहां चला गया। तो वही होता है। मनोज के लिए जोरदार तालियां हो जाए, ऑफ कोर्स करीब करीब सिंगल के लिए यहां मिस चंद्रा आग लगा रखी है आपने, यू नो द स्माइल्स ऑन एवरीबॉडीज फेसेस इट्स जस्ट अमेजिंग एंड वी जस्ट लव्ड इट। यहां पे बड़े सारे लोगों की इच्छा हो गई होगी करीब करीब सिंगल होने की। मोहतरमा देखिए कैसे मुस्कुरा रही है। सो नाउ व्हाट वी विल डू इज यहां पे वी विल इनवाइट द मैजिशियन जिन्होंने हर तरीके का रोल किया है, वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर्स ऑफ द इंडस्ट्री, और यहाँ पे अब वो एकदम ऐसा किंग ऑफ रोमांस भी बन के नजर आ रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन गिव इट अप फॉर इरफान साहब, यहाँ पे जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका। काफी कलरफुल किरदार योगी जी का। योगी जी मतलब कहां से प्रेरणा कहां से मिल गई ये सब करने की और इतना करने की? इसके लिए प्रेरणा थोड़ी चाहिए होती है, ये तो हर आदमी करना चाह रहा है। सब आदमी इसी के वेट में इंतजार में है, प्रेरणा की जरूरत ही नहीं। प्रेरणा तो बाकी उन चीजों के लिए चाहिए होती है जो आपको मतलब यू नो नेचुरली नहीं आती। तो जो 3-3 बार इसमें मिली उनकी बात कर लेते हैं। रियल लाइफ में ऐसे कोई मिली 1 से 2 बार 2 से 3 बार और फिर कभी मन किया हो चल देख के आते हैं यार आज? पता नहीं यार, मैं ये इन्होंने जब मुझे कहा ये फिल्म करनी है तो मेरी वाइफ प्रोड्यूस कर रही थी, तो मैंने कहा मैं इस मौके को जाने नहीं दूंगा, पूरी दुनिया के सामने अनाउंस करूंगा कि मैं करीब करीब सिंगल हूं। लीड बाय एन एग्जांपल इसे बोलते हैं यहाँ पे। तो सर कभी मन नहीं किया, कभी एक्सेस को हुआ होगा ना डिस्कशन, कभी तो हुआ होगा यार वो एक लड़की थी यार मेरे स्कूल में कॉलेज में? नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या है ना कि खाली एक्सेस को डिस्कवर करने का वो नहीं है, मतलब ध्येय वो नहीं है, आपका एम वो नहीं है, क्योंकि जो साथ में है उसके साथ कहीं पहुंचना है तो वो तो बहाना बन गई है मतलब। राइट, तो बैलेंस करके चलना है सब कुछ। आपके साथ बखूबी स्क्रीन स्पेस जो है उसको बैलेंस कर रही हैं और बहुत खूबसूरती से हमारा सबका दिल जीत रही है इसमें। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द वन एंड ओनली पार्वती मेनन। लेडीज एंड जेंटलमैन तालियां तालियां तालियां, मैं इधर आ जाता हूं। फैंटाब्यूलस एंट्री, मतलब वी जस्ट लव्ड यू। क्या बोलना चाहेंगी सबसे पहले यहाँ? എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇവിടെ വന്നതിൽ വളരെയധികം മുംബൈ മുംബൈ അംചി മുംബൈ അംചി മുംബൈ माफ कीजिएगा, थोड़ी आदत सी पड़ गई है। बहुत सालों से तकरीबन 10 ईयर्स से मैं मलयालम में ही बात करती आई हूँ, तो फॉर एनी मिस्टेक्स आई अपोलोजाइज। इट्स परफेक्टली ऑल राइट, आप तो कुछ नहीं, बिल्कुल जितनी मिस्टेक्स करेंगे हम लोग और बिच जाएंगे यहाँ पे। ये इतना जर्नी सब ले लिया, ट्रेन कैब टैक्सी ये वो, ये यहाँ तक आने में इतनी देर कैसे हो गई? वो इंडियन ट्रांसपोर्टेशन है तो थोड़ी यू नो कम ऑन वी ऑल नो। तालियां तालियां तालियां, यही कॉन्फिडेंस स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे हाउ वाज इट शेयरिंग द स्क्रीन स्पेस विद दिस जेंटलमैन जो कि काफी रंगीले टाइप्स हैं? डेफिनेटली योगी जी, डेफिनेटली एज यू कुड सी ऑन द ट्रेलर। No, it was a Herculean task to match up to, try to match up to his level of
एक्टिंग एंड रोमांस बाय द वे. इनकी रोमांस तो आपने देखी नहीं है अभी, करीब करीब सिंगल देखिए तो करीब करीब पता चल जाएगा कि इनका लेवल क्या है रोमांस का. आप मेरे को एक चीज बता दीजिए, आगे बढ़ेंगे. पॉइंट मिस हो गया हो तो बाद में मैसेज कर देना, जल्दी भी नहीं है यहाँ, बाद में इंक्लूड कर लेंगे. ये साथ जीने मरने वाली लव स्टोरी नहीं है हमारी, ये क्या है? मतलब आप कहना चाह रहे हैं जो अब तक इतने लोगों ने फिल्में बनाई हैं लव स्टोरीज, वो कुछ नहीं है सर? नहीं, कई बार क्या होता है ना कि वो शुरू ऐसे होती है कि साथ जीना है साथ मरना है. हाँ. और उसके बाद जब शुरू हो जाती है तो आप उसके बाद फिर मरना रह जाता है कि साथ मरी जाए तो अच्छा है यार. एक तो लैला मजनू वाला मरना होता है, एक ही होता है कि साथ साथ है लेकिन मतलब मरने से बदतर है. तो ये वो स्टोरी नहीं है. ये है कि साथ बना रहे, जीना मरना छोड़ो, जीते ही रहेंगे. बिल्कुल बिल्कुल, जिएंगे और ये फिल्म देखेंगे. फिलहाल यहाँ पे जोरदार तालियों से प्लीज वेलकम जी स्टूडियोज से मिस्टर कुट्टी वन मोर टाइम लेडीज एंड जेंटलमैन. सुजय साहब के लिए तालियां हो जाए यहाँ. एंड ऑफ कोर्स द कैप्टन ऑफ द शिप तनुजा चंद्रा, वेलकम 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 वन मोर टाइम. एंड विद दिस मे आई इनवाइट ऑन स्टेज द प्रोड्यूसर साहब मिस्टर अजय साहब के लिए भी यहाँ तालियां हो जाए. अरे ऐसे कैसे, राय साहब कहाँ हैं? जार पिक्चर्स से ऐसे पीछे पीछे. एंड आई वुड लाइक टू कॉल शुतभा मैम एंड शैलजा ऑन स्टेज. ऑफ कोर्स, यस गजल प्लीज आइए. जोरदार तालियां, कम ऑन फॉर दिस एंटायर कमाल की टीम ऑफ करीब करीब सिंगल. मनी मन तो सब सिंगल हैं यहाँ, है ना? कुछ वैसे वैसे भी सिंगल है, सिर्फ मनी मन. जी जी, मुझे पता था आप बोलने वाले हो. ऐसे अपने की बात की होगी, कुछ तो चक्कर कभी तो चला होगा उनका. एक्चुअली क्या हुआ, मेरे चले थे, हमने मेरे एक्स की बातें की थी इनके साथ. थैंक यू, आप ही कर लो. Ladies and gentlemen, जोरदार तालियां यहाँ पे. और अजय सर से एक सवाल मैं जानना चाहूंगा. यू नो यू पीपल हैव बीन वेरी सिलेक्टिव, बहुत कमाल का काम आप लोग करते हैं. फॉर दिस मूवी व्हाट मेड यू थिंक कि यार ये करते हैं? ये अपनी आपदा थी कि खुद का भी कुछ ऐसा था करीब करीब सिंगल वाला? कुछ नहीं, मैं उनसे तुम्हें फोन आया था, एक स्क्रिप्ट है हम साथ में बनाते हैं. मिला, हाँ बनाते बस. थैंक यू सो मच. बस ठीक है, हो गया, करीब करीब फिल्म बना दी हमने और कमाल की फिल्म बन गई. जोरदार तालियां. इट्स ओवर टू यू पीपल फॉर अ क्विक फोटो ऑप. या आ जाइए. एंड देन आफ्टर दिस वी विल टेक द क्वेश्चंस. कम कम रन. Thank you so much, ladies and gentlemen. And now it's time for the questions. Amma ji, please come. Please. I just want to tell everybody that it's Kamna ji's story. Yes. Wow. Oh yeah. So वहाँ से जन्म हुई कहानी. मैम के लिए जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज एक बार. सच अ ब्यूटीफुल लेडी हो गई हमारे साथ. बहुत दिनों बाद मेरी कहानी बन रही है. एंड आई एम सो हैप्पी. आई हैव नो वर्ड्स टू टेल. आई हैव नो वर्ड्स टू टेल यू हाउ हैप्पी आई एम. गॉड ब्लेस ऑल दीज गर्ल्स एंड यू टू. एंड यू टू. एंड आफ्टर सीइंग दिस थ्रिल आई एम रियली ओवरवेल्म्ड. आई एम सो हैप्पी कि मेरी वो कहानी है छोटी सी, उसको इन लड़कियों ने क्या रूप दे दिया आप लोगों ने. एंड यू टू. थैंक यू सो मच. जीती रहो, खुश रहो, बहुत ही अच्छी है. बहुत बहुत अच्छा, मेरा दिल खुश हो गया. मैंने सोचा था मेरी गाड़ी लिखने की थोड़ी अब स्टॉप पे आ गई है, पर इन सब ने फिर से धक्का दे के और थैंक यू सो मच. बस यही मैं कहना चाहूंगी कि भगवान ने इंसान को दो चीज एक्स्ट्रा दी हैं, जो और सबको दी हैं उससे अलग, एक होप एंड वन सेंस ऑफ ह्यूमर. सो इंसान को किसी भी मुसीबत में, किसी भी परेशानी में अगर निकलना है, आगे बढ़ना है, टैलेंट मेहनत वो सब तो जरूरी है, वो तो चाहिए, लेकिन अगर
आप हंस सकते हैं अपने ऊपर, दूसरे के ऊपर, और उस हंसी को एंजॉय कर सकते हैं, उस सिचुएशन को एंजॉय कर सकते हैं, तो आई एम श्योर कि एक उम्मीद, आशा, आगे बढ़ने की तमन्ना अगर ये अंदर है तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। सुपर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और आपकी हॉटनेस का क्या राज है ये हम अभी थोड़ी देर में बाद में आपसे जान लेंगे। आई नो अ लॉट ऑफ गर्ल्स वुड लव टू टेक सम टिप्स, सो इट्स ओवर टू द मीडिया। आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं हमारे कमाल के यहाँ पे जो टीम है इसके साथ। थैंक यू गर्ल्स, थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन, भावना दिस साइड फ्रॉम जी। टेलर बहुत ही अच्छा है, पर मैं जानना चाहती हूँ सिंगल पे इतना फोकस, डबल एल लगाया है सिंगल में, ये सवाल किसको है? हाँ। इरफान एल, आप ये वेजिटेरियन में समझना चाहेंगे, नॉन वेज में समझना चाहेंगे? जैसे आप समझाना चाहें। देखिए जिस मैं बोल, वेज में तो ये है कि ये लव एंड लाते इसका वो है। जिस वेबसाइट पे ये दोनों मिलते हैं, इट्स अ क्वर्की क्यूट वेबसाइट, उसमें स्पेलिंग, उसका नाम है अब तक सिंगल एंड दे हैव स्पेल्ड इट लाइक दैट, तो अब तक सिंगल इस तरह से उस वेबसाइट का नाम है। मैंने उसको इस तरह से समझा था कि आप ये फौज देख रहे हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और बहुत सारे इधर ही बैठे हुए, इनको अगर खड़ा करेंगे तो ये पूरा स्टेज भर जाएगा और मैं, तो थोड़ा बैलेंस करने के लिए एल जो है कई बार जो है वो मेल होता है कभी कभी, तो साथ चाहिए था एक और एल का, नहीं तो ऐसा ना बोलना पड़ेगा ले लग गए। I had a follow-up question, bacha kid. Hi, Irfan, over here, towards your right. First of all, the trailer looks amazing. Congratulations. My question to you is, you know, you had Talwar, which was critically acclaimed as well as did well at box office. Then there was Hindi medium, again the same story. So, do you think now this is the time where even the content-driven films are doing well at the box office and you are expecting the same from this one as well? Content ka, I think, kai saalon se shuru ho chuka hai. Aur ye audience ne shuru kiya hai. Audience already, Hindi cinema ka, jo mainstream Hindi cinema hai, usme footfall kam ho raha hai. Aur audience jo ki thoda sa evolve ho gaya hai, bahar ka cinema dekh ke, series dekh ke, to wo zyadatar Hollywood ka cinema dekh raha hai ya hamari regional cinema zyada बिजनेस कर रही हैं। क्यों? क्योंकि ऑडियंस उसे रिलेट कर पा रहा है और इंगेज हो पा रहा है, एंटरटेन हो पा रहा है। हिंदी सिनेमा जब तक इतना जेनरिक था उसमें उस तरह की कमी थी कि दे वांटेड टू रिलेट, ऑडियंस रिलेट करना चाह रहा है उन स्टोरी से। वो कह रहा है हॉलीवुड जब बना रहा है, रीजनल सिनेमा बना रहा है, तो हमें हिंदी सिनेमा ऐसा देखने को नहीं मिल रहा जहां मैं रिलेट कर सकूं, जहां वो कुछ बात कहे जो मेरे से जिसका वार्तालाप चले। कोई फिल्म खाली थोती फिल्म नहीं होती है, सिर्फ ऐसी एंटरटेनमेंट एक उस तरह की फिल्म भी होती है, लेकिन मैं उन फिल्मों से जुड़ना चाहता हूं जो आपके साथ जिसका डिस्कशन चलता रहे फिल्म खत्म होने के बाद। तो वो चेंज शुरू हो गया था और अब आप देख ही रहे हैं जिस तरह से, मतलब इस तरह की फिल्में, सिर्फ मेरी नहीं बाकी भी, जैसे राजकुमार की भी दो फिल्में आई थी, सडनली उसको किसी को उम्मीद नहीं थी एंड डिड वेल, इट्स बिकॉज ऑडियंस इवॉल्व हो गया है। एंड मिस्टर सुजय, यू हैव टू फिल्म्स बैक टू रिलीजिंग बैक टू बैक इन अ स्पैन ऑफ 14 डेज, देयर इज सीक्रेट सुपरस्टार फॉलोड बाय दिस, सो हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर द रिलीज ऑफ बोथ द फिल्म्स एंड हाउ हैव यू मैनेज्ड टू प्लान द एंटायर मार्केटिंग कंसेप्ट फॉर टू फिल्म्स गिवन द फैक्ट दैट दे आर रिलीजिंग इन सच अ स्मॉल स्पैन? एक्साइटमेंट, ह्यूज एक्साइटमेंट। दिवाली तो वैसे ही शुरू हो गई, ठीक है, पटाखे तो वैसे ही बजने लगे, so it's huge excitement and when you have two movies coming back to back, it's a great environment. And the whole setup, how we plan it and put it together, it is unparalleled. And when you have a strength of Z Network backing you, it's not difficult because you have all the channels available with you to promote it, build it up, whether it is news or entertainment or movies. So it's a great, exciting time for the network to, even if you pitch two movies at a time, it works brilliantly. Tanuja, hi. Considering you have Irfan on board, was it a deliberate attempt to not present this love story as a monotonous, typical way? In a monotonous, typical way? The story actually had the seed of that in it, which was written by my mother. 20 years ago, she wrote this 15-pager, you know, and I thought there was something in it which was so beautiful. And it was, but me and Ghazal, my co-writer, we made it contemporary, you know, we made it a story of today. And so I think that
I would like to say that it's a kind of a Hindustani rom-com, which is very much belonging to the milieu of contemporary modern India. And yet, it's at its core, it's very Indian and very, it has a bit of traditionalism in it as well. And finally, it's about just loving every part of your life, your past relationships, whatever they may have been, there's something of value in those and they give to you all your life, you know, so you don't have to, breakups don't have to be bitter, they can be wonderful. So there's that kind of story in it, and in which two people discover each other and discover each other's differences and find out that, you know, it's okay, we both are different from each other, but if we respect each other's differences and independence, it can be a beautiful love story. So I think it was there in the story itself. Hi, Shivangi this side from Aaj Tak. Parvati, my question is to you. एक तो इस फिल्म का सब्जेक्ट काफ़ी अलग है और इसी के साथ साथ इरफान इतने मजे हुए कलाकार हैं दोनों एक साथ आना और ये पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके लिए बहुत ओवरवेलमिंग था डेफिनेटली पहले जब तनुजा जी ने फ़ोन किया था और यही वर्ड बोला था हिंदुस्तानी रोम कॉम एंड दैट्स व्हाट हुक मी फर्स्ट एंड आई डिडंट नो एट द टाइम इट वॉज गोइंग टू बी इरफान ऑन द अदर साइड इनफैक्ट इवन आफ्टर लिसनिंग टू द स्क्रिप्ट इज़ व्हेन आई गॉट टू नो दैट इट वॉज हिम सो The first thing that hooked on to me was definitely the screenplay and the story. And life mein ek aisi level pe hoon jahan main bhi kareeb kareeb single mode mein ja rahi hoon, so I could totally relate to it and almost wanted to learn from it a little, I think. And that's what I've been doing all my career is learn a little bit from every character I do, every story I do. Sometimes you learn some bad things, sometimes you learn some great things. And इस एक्सपीरियंस में थ्रू गज़ल एंड तनुजा एंड इवेंचुअली थ्रू द प्रोडक्शन विद इरफान इट वाज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस इरफान एक सवाल आपसे भी है बच्चन सर अब 75 साल के होने वाले हैं और पीकू फिल्म में आपने उनके साथ काम किया था बच्चन सर को वो बधाई देना चाहेंगे और जो पूरा एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करने का वो कैसा रहा मेरी बिल्कुल बधाई उनको उनकी सेहत अच्छी रहे खुश रहें और हमें उसी तरह की कहानियाँ देते रहें और पीकू का एक्सपीरियंस तो फिल्म आ चुकी है आपने देख लिया तो आपको पता ही है इरफान मैंने बधाई दी उनको बधाई हो उनको उनकी सेहत अच्छी रहे वो अच्छे काम करते रहे अच्छी स्टोरीज बोलते रहे इरफान जी यार आप सब ऐसे लोगों के नाम ले रहे हैं क्योंकि उनको मेरी विशेष की जरूरत नहीं वो अपने आप में महान लोग हैं और यार रहमान ने जिस तरह से अपना म्यूज़िक को इवॉल्व हुए वो जिस तरह से और जिस तरह का जर्नी है यार रहमान का वो बहुत ही कमाल का जर्नी है और आई विश हर आर्टिस्ट का जर्नी उस तरह का एनरिचिंग हो सके कि आदमी अपना काम करता जा रहा है और इवॉल्व होता जा रहा है अपने काम में तो वो बहुत ही खूबसूरत जर्नी उनका रहा है आपको लगता है फ्लेवर सेम होता तो मैं करता ये फिल्म ये एक चीज़ इसमें यह है कि हिंदी मीडियम में जो एक जिस तरह का एक फ़न था जिस तरह से एक एंटरटेनमेंट को जिस तरह से रीडिफाइन किया गया था कि कहानी भी है और आप रिलेट भी कर सकते हैं और आप एंटरटेन हो सकते हैं तो वो कंटिन्यू है ये कोई दूसरे किस्म की तरह फिल्म नहीं है कि सडनली कोई और ही जोन आ गया ये वही है कि आपको जो है एंगेज करेगी यू विल गेट एंटरटेन्ड एंड यू विल रिलेट टू कैरेक्टर्स एंड देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच वर इंपॉर्टेंट फॉर मी इन द मूवी वो मैं जब फिल्म के इंटरव्यू शुरू होंगे तब मैं बात करूंगा कि मैंने ये फिल्म क्यों की है एक्चुअली मैसेज ये है कि तुम सिंगल हो सिंगल मत रहना अब नहीं मैसेज मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली बताता हूँ और क्या होता है ना एक होता है आदमी सिंगल एक होता है कि अब सिंगल नहीं रहा बीच का सफ़र होता है करीब करीब सिंगल जहाँ के डबल होने की एक उम्मीद होती है और एक एक्सपेक्टेशन होती है मुझे लगता है कि वो प्रोसेस जो है बहुत खूबसूरत होता है रिलेशनशिप का अगर आदमी उसको खुद ही डिस्ट्रॉय ना करे दोनों मिलके उसको खुद ख़त्म ना कर दें और उस जर्नी को अगर थोड़ा उसका मज़ा लें उसको अगर बहुत अच्छे से उसको गुजारें जर्नी को वो सबसे खूबसूरत वक्त होता है रिलेशनशिप का जहाँ के दोनों उन्होंने कमिट नहीं किया है बट एक तरह का एक्साइटमेंट है अंदर एक लहर है अंदर एक यू नो म्यूज़िक है अंदर तो इसमें उस तरह का एक उस जर्नी का यू नो फिल्म उस जर्नी के बारे में है लहर का थ्रू आउट है
इरफान जी आपके सामने, इरफान जी ऑनलाइन डेटिंग ऑनलाइन चैटिंग में कितना बिलीव करते हैं अगर मैं आपसे जानना चाहूँ? भाई मैं बहुत बिलीव करना चाहता हूँ, मैं तो ऐप ढूंढ रहा हूँ जिसमें कि आसान हो जाए मामला। बहुत सारे हैं ऐसे तो, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है और हम लोगों ने, हमारी सोसाइटी ने इसको इतना ज़्यादा उस पर कवर चढ़ा के और इतना ज़्यादा उसको लुका छुपा के इतना अजीब सा बना दिया है, जबकि मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने, भगवान ने, अल्लाह ने जिससे सबसे खूबसूरत चीज़ दी है वो ये है कि दो लोगों का करीब आना एक दूसरे को पसंद करके, और उससे खूबसूरत चीज़ कुछ है नहीं दुनिया, वो नेचर ने दिया है आपको, वो आपके लिए है, उसके लिए क्यों गिल्टी फील करना, क्यों इतनी बंधन है। मैं तो बचपन से सपने देखता था, अब तो खैर ये आ गया है लेकिन मैं अपना फेस डाल नहीं सकता उस पर, मैं अगर डालूंगा तो लोग या तो यकीन नहीं करेंगे कि अरे यार ये डेटिंग के लिए बोल रहा है क्या, ये तो इरफान है, और अगर कर लिया यकीन तो फिर कुछ और बोलने लगे, अच्छा बेटा चल चल यू नो, तो मेरा पर्पज़ पूरा नहीं होता। मैं भी अभी तक देख रहा हूँ ऐसी ऐप जिसमें कि मेरे लिए भी सफ़र आसान हो जाए, आपको पता चले तो बताना मुझे। अच्छा इरफान जी, क्योंकि एक रोमांटिक हीरो का किरदार कर रहे हैं आप, तो हमारे फिल्म इंडस्ट्री में हमने देखा है कई सारे रोमांटिक हीरो, किसी से इंस्पायर्ड भी आप रोमांस के मामले में अगर मैं आपसे पूछूं? मैं अपनी मोहब्बत से इंस्पायर हूँ, मेरे अंदर बहुत मोहब्बत भरी पड़ी है भाई जो निकली नहीं है और जिसको मैं जीता रहता हूँ अलग अलग तरीके से, मैं अपने आप को बांटता रहता हूँ, हाथ किसी के नहीं आता। So is it because you really vouch for it, or you think, you know, Indian audience is still not over love stories and romantic movies? I wouldn't call it love for first love story. You know, I mere liye maqbool love story thi, mere liye lunchbox love story thi. I'm trying to explore romance for myself. Like jab ye film main kar raha tha, to mujhe maine ek din Shudhva ko pucha ki tum itni interested kyun ho is film mein? Ye kyun karna chahiye? To she said ke hum log North Belt se hai na. वहाँ क्या होता है ना, वहाँ लड़की को देखा, उसने देखा तो मतलब एक ऑलरेडी कुछ कमिटमेंट हो गया और आपने यू नो उसको पजेस कर लिया और सब कुछ, वो एक जो एक होता है एक दूसरे के साथ समय बिताने का और आराम से जीने का, यू नो एक दूसरे को पूरा वैल्यू देने का, वो कल्चर नहीं होता है। तो उसने पूछा कि आपको, आप तुमने औरत को सम्मान देना आता है क्या तुमको ऐसे वक्त में जब आप अफेयर में हो? मैंने कहा आता है, तो बोला करके दिखाओ उसके अंदर। मैं भी कह सकता हूँ कम से कम एक औरत को तो मैंने सम्मान दिया। तनुजा मैम आपके राइट है, आपके राइट अमित, एंड ये सवाल कामना मैम से भी रहेगा कि मतलब आज की जो लव स्टोरीज बन रही हैं या रोम कॉम बन रही हैं उन्हें मतलब क्वांटिफाई करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? हाफ गर्लफ्रेंड, करीब करीब सिंगल वगैरह वगैरह, क्या मतलब इसलिए कि जो आज की ऑडियंस जो आज की ऑडियंस है या आज के जो मतलब लोग हैं उनमें शायद कमिटमेंट का लेवल या फिर लॉयल्टी का लेवल मतलब कम हो चुका है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल कम नहीं हुआ है, आई मीन आई थिंक दैट्स अ जनरलाइजेशन, लेकिन दिस टाइटल डिड नॉट कम फ्रॉम द आइडिया कि क्वांटिफाई करने की ज़रूरत है, इट इज़ प्योरली फ्रॉम द स्टोरी, क्योंकि कहानी दो लोगों की है जो दोनों करीब करीब सिंगल हैं। ये टाइटल एक्चुअली गज़ल ने सोचा था, केम वेरी ऑर्गेनिकली फ्रॉम द स्टोरी। सो उसमें आप हाफ गर्लफ्रेंड या फुल गर्लफ्रेंड की बात नहीं है, उसमें सिर्फ ये बात है कि आप अपने अतीत से भी जुड़े हुए हैं और आप आगे भी बढ़ना चाहते हैं, एंड लाइक इरफान सेड कि वो जो बीच का जो एक वक्फा होता है, दैट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग, वे यू जस्ट starting to feel something for someone, it's not a commitment but it's also makes you free and excited. So I think that is the part that one has tried to explore in this film, and that is also funny, usme hansi bhi aati hai, usme aap ek dusre se ladte bhi hain aur ek aasha hai dil mein, you know ki aage kya hoga. So I think that is the situation in the film and that's where the title comes from purely. Lekin jo love stories Kamna ma'am ne likhi thi, हमना मैम आपसे एक मतलब सवाल था ये चीज़ से जुड़ा हुआ कि मतलब चांदनी से जुड़ी रही आप, प्रेम ग्रंथ से जुड़ी रही, yes. तो मतलब उस दौरान जिस किस्म की लव स्टोरीज थी उसमें लॉयल्टी मतलब और एक सेंस ऑफ मतलब सात जन्मों का साथ वाली बात होती थी, वहाँ से लेकर के अब ये साथ साथ जीने मरने वाली बात है ही नहीं, ये चेंज या फिर इस तरह की स्टोरीज लिखने की कोई खास वजह तो होगी? ये कहना चाह रहे हैं कि अब वहाँ थी, अब वहाँ से यहाँ कहाँ आ गई? नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि हर चीज़ में बहुत टाइम मिलता है, लगता है, जल्दी से कुछ नहीं हो जाता। जब मैंने लॉन्ग बैक, मैं कब की बात आपको बताऊँ, मतलब
हमारी शादी को 60 साल से ज़्यादा हो चुके हैं तो ये सब फीलिंग्स, प्यार की लड़ाई, दूरियाँ, ये सब आप पढ़ते हो, देखते हो, महसूस करते हो. तो जब मैंने अपनी पहली कहानी जो प्रेम रोग राज कपूर साहब ने बनाई थी, उसमें एक विडो की कहानी थी और वो लड़का उससे कितना प्यार करने लगता है कि उसके लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया. अब ये बात, ये कहानी 30 साल पहले बनी थी, तो वो उस वक्त की भी लोगों ने कहा था कि विडो की कहानी में कौन इंटरेस्टेड होगा. और लेकिन राज साहब की अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन इमोशंस की इतनी गहरी थी कि उन्होंने वो पिक्चर बनाई और वो बहुत लोगों को पसंद भी आई. उसके बाद चांदनी में भी लव स्टोरी थी, उसमें एक अलग हुए, मिले, दूर हुए, वो कहानी थी. 1942 लव स्टोरी, उसमें भी यही. तो कहानियाँ तो लव स्टोरी सब यही होती है, मिलने और बिछड़ने की. तो मेरे मन में एक बार ये आया, मैंने ये प्ले लिखा था कि दो तीन बार उसका हुआ, जब छोटा था तब, फिर कॉलेज, फिर बड़े होके. लेकिन तीनों बार वो नाकाम रहा अपने प्यार में और वो लड़कियां सब अपना बढ़ती गईं. और कह के ये अलग हुई थी कि चाहे मैं जहाँ चली जाऊँ लेकिन मेरी आत्मा, मेरा हृदय हमेशा तुम्हारे पास रहेगा. ये कह के पहली वाली गई, बेचारे ने यकीन कर लिया था. और उसके उनसे जब वो मिलने गए तो उसके बच्चे वहाँ, उन्होंने कहा मामा जी को नमस्ते करो. We'll take two more questions, ladies and gentlemen. तो ये तो दुनिया बदलती है, रंग बदलते हैं, रूप बदलते हैं, कहानियां बदलती हैं. तो फिर भी इंसान एक उम्मीद पे जिंदा रहता है तो हमेशा के लिए लाइफ फिनिश नहीं हो जाती है. वो लड़कियां भी ठीक थी जो मैंने लिखा था, तीन से वो मिलने जाता है और देखता है कि वो सब खुश हैं. तो जो अब उससे चाहती थी, प्यार करती थी, वो हमेशा उसे कहता था कि मैं तीन को सुखी नहीं कर पाया, मैं इस लायक हुई नहीं. वो हमेशा पोएट्री लिखता था, कहानी, गीत लिखता था, इसलिए वियोगी के नाम से मशहूर हो गए थे. तो फिर वो, लेकिन जब वो मिलने गया तो उसने रियलाइज किया कि लाइफ डजंट स्टॉप फॉर एनीबडी, वी हैव टू मूव ऑन. एंड तब उसने, तो वो ये कहानी का सेंस है कि अब वो आशा है तो सब कुछ. ये मैंने कहने की कोशिश की थी अपने उस प्ले में, जिसको इन लोगों ने आज के सोचना, आज की जो माहौल है उसमें. तो ट्रेलर देख के आपको लगा होगा कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग. माँ बोली माँ बोली हाँ, माँ को तो ये लगेगा, लेकिन मैं दिल से फील कर रही हूँ कि बहुत ही अच्छा लगा मुझे देख के, बहुत अच्छी. मुझे भी अच्छा, आई थिंक हमें भी बहुत अच्छा लगा. जाते जाते ये महिलाओं के लिए सवाल, आपके और आपके लिए, ये क्यों आगे बढ़ जाती हैं बेचारे लड़के वो खड़े रह जाते हैं, वो तीन तीन हो गई, चार चार हो गई. इनका बहुत एक फेवरेट डायलॉग है इस फिल्म में, बार बार बोलती रहती है मूव ऑन, लेट्स जस्ट मूव ऑन, कम विद मी. हम बेचारे वहां खड़े रह गए लोग पीछे. नहीं नहीं, आप वेट कर रहे हैं ना, साल बस चलना चाहिए. नहीं, पर खड़ा वो भी नहीं रह गया, वो भी आगे बढ़ा. उसको, उसने भी अपनी जिंदगी में कुछ और जीना चाहा. नहीं, जीना चाहता ही रह गया, वो तो जी रही है वहाँ. वो जी रही है. वो तो तीन चार हो गई, वहाँ बच्चे अच्छे हो गए, बेचारा खड़ा रह गया वो. एनीवे, लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां हो जाए फॉर करीब करीब सिंगर. एंड मैम, सीरियसली थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपने इतना सब बताया हमें, बहुत बहुत शुक्रिया. एंड इट्स टाइम फॉर, यस ऑफ कोर्स, जी जी, कास्ट के साथ, विदाउट चेयर, या, थैंक यू सो मच.
Thank you.